80s और 90s के दशक के चार बड़े एक्शन सुपरस्टार्स बहुत ही जल्द एक साथ एक ही फिल्म में खतरनाक एक्शन अवतार में नजर आने वाले हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, सुपरस्टार सनी देओल, संजय दत्त, मिथुन दा और जैकी श्रॉफ एक ही साथ एक ही फिल्म में धमाकेदार एक्शन करते हुए नजर आने वाले हैं, जिसका नाम है बाप। साथ ही इस फिल्म को बाप ऑफ ऑल फिल्म भी कहा जा रहा है और ऐसा बॉलीवुड में पहली बार देखने को मिलेगा जब किसी फिल्म में चार बड़े एक्शन सुपरस्टार्स एक साथ नजर आएंगे। और ये सभी वो सुपरस्टार हैं जिनकी जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है तो थिएटर्स में तालियों और किलकारियों की गूंज सुनाई देती है। और इसी के साथ मेकर्स ने फिल्म के सभी कलाकारों के फर्स्ट लुक और कैरेक्टर नेम भी शेयर कर दिया है। साथ ही मेकर्स ने अभी कुछ दिन पहले फिल्म का एक BTS वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें सभी स्टार्स का एक खतरनाक एक्शन लुक देखने को मिला था। साथ ही फिल्म के सेट से सभी स्टार्स की कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई थी, जिसे देखने के बाद फैंस और भी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं फिल्म को देखने के लिए। बात करें फिल्म की कास्टिंग की तो फिल्म में हमें सनी देओल और संजय दत्त, अर्जुन और बल्लू नाम का एक गैंगस्टर यानी विलन की भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। और जैकी श्रॉफ फिल्म में इंस्पेक्टर जय किशन और मिथुन दा, येड़ा भगवत एक वकील के रोल में नजर आएंगे और इनके साथ 90s की खूबसूरत एक्ट्रेसेस रवीना टंडन का भी एक स्पेशल कैमियो देखने को मिलने वाला है, जो कि फिल्म के गानों में भी नजर आने वाली है। साथ ही फिल्म में हमें कॉमेडी किंग कहे जाने वाले जॉनी लिवर भी नजर आने वाले हैं। बात करें फिल्म की स्टोरी की तो ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिसको डायरेक्ट किया है विवेक चौहान ने और फिल्म के प्रोड्यूसर है जी स्टूडियो और अहमद खान। बात करें फिल्म के रिलीज डेट की तो मेकर्स ने अभी तक फिल्म के रिलीज को लेकर कोई अनाउंसमेंट तो नहीं की है, लेकिन ये फिल्म हमें इसी साल सितंबर तक देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, आप सभी इन चारों मेगा एक्शन सुपरस्टार्स को एक साथ देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मजेदार अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।